मैंने पीलिंग करवाई और मेरे साथ ये हुआ। इतना बुरा शायद मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी। मेरी लाइफ खत्म हो गई। मैंने आईने में खुद को देखना छोड़ दिया। छोड़ यार, तूने तो पीलिंग करवाई थी, तुझे तो चल फिर भी तेरा चेहरा इतना खराब नहीं हुआ। मेरे को ना पीलिंग के बाद उसने बोला कि लेजर करवा ले, फिर बोला क्यू स्विच करा लो, फिर बोला ये करवा लो। मैंने सब कुछ करा दिया और देख आज मेरे ना घर वाले भी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। तुझे पता है मेरे पति ने मुझे क्या कहा है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है। एक वक्त था जब वो बहुत ज्यादा खुश थे और एक वक्त के बाद उन्हें अपने चेहरे से नफरत हो गई। और बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो रोज सुबह जब आईने में खुद को निहारती थी ना, तो उनका दिल खुश हो जाता था कि यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और आज एक वक्त आ गया जब उन्होंने घर के आईने को देखना बंद कर दिया। घर के वो लोग जो एक वक्त पे उसे कहते थे कि तुझसे सुंदर कोई नहीं है, आज वो कहते हैं कि तूने अपने चेहरे पे क्या कर लिया, मन नहीं करता तेरा चेहरा देखने का। रोज सुबह सुबह तेरा ऐसा सड़ा चेहरा देख के ना मन करता है कि तुझे तलाक दे दूं, मन करता है दूसरी बीवी ले आऊं। तो ये सब बातें सुन सुन के ना इंसान का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और आज मैं बात कर रही हूँ पिगमेंटेशन, मेलाज्मा की, लाइकन प्लेनस, ऐसी प्रॉब्लम जो आपके रंग को ही बदल के रख देती है, काले काले पैचेस बन जाते हैं, समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ला सकते हो। हमने आज तक सुना है कि झाइयों का कहीं इलाज नहीं है, कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। और ये क्वेश्चन मार्क कई बार मेरे पे आया कि आप सच कह रहे हो, तो उसका लाइव प्रूफ हमारा चैनल है डॉक्टर उपासना वोहरा, आप जाके देखिए। और वहां जाके भी यकीन ना हो तो फिर उसके बाद कोई और सा रास्ता है ही नहीं, फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे करिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी दिनचर्या से कि जिन भी लोगों को झाइयां हैं उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो झाइयों पे सबसे अच्छा काम करती है। क्योंकि इस चैनल पे इतनी सारी रेमेडी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मैं कुछ कमेंट्स अटैच कर रही हूँ, आप देखना कि लोगों को कितना ज्यादा बेनिफिट है। बात कर रहे थे हम पीलिंग की। पीलिंग क्या है? एक संतरा है, हमने उसका छिलका उतार दिया, स्किन उसकी पील ऑफ होगी। केला है, छिलका उतार दिया, स्किन पील ऑफ होगी। सिमिलर वे में हमारी स्किन है, 6 लेयर है, हम परत उतारते जा रहे हैं, नीचे की स्किन साफ आती जा रही है। लेकिन अगर झाइयां डीप हैं, अंदर हैं, टुकड़ों की तरह पड़ी हैं, एपिडर्मिस तक हैं, डर्मिस तक है, बिल्कुल डीपली लेयर इन्वॉल्वमेंट है, वहां क्या करोगे? यही रीजन है कि लोगों को समझ नहीं आता है, उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता और उनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। पीलिंग के साइड इफेक्ट्स को आप कैसे कम कर सकते हो, आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी दिनचर्या से। हमारी दिनचर्या में जो सबसे पहला चीज एलिमिनेट करना है वो है फेस वॉश, सोप। हमें चेहरे पे किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ही नहीं है। जिनकी स्किन नॉर्मल है उन्हें दही से धोना है। दही में आप मुलेठी पाउडर ऐड कर सकते हैं, दही में आप बेसन ऐड कर सकते हैं। जिनको एक्ने के साथ पिगमेंटेशन है वो मसूर की दाल या चावल के आटे को पानी में मिला के धो सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से आप अपना चेहरा धो सकते हैं। इसके अलावा आपको चेहरे पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अब इसके बाद बारी आती है दिन की, कि हम ऐसी क्या चीज लगाएं। आप लोग जो हैं अब इस चीज का ध्यान रखिए कि जो पिगमेंटेशन है ना वो मौसम के अनुसार भी बदलती है। किसी की गर्मियों में डार्क होती है, किसी की सर्दियों में, किसी का फेस गर्मियों में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, किसी का बिल्कुल काला हो जाता है। और जिन लोगों में पीलिंग हुई होती है उनका तो बिल्कुल भयंकर, एक अलग से 2 महीने चेहरा बिल्कुल साफ रहेगा और उसके बाद इतना सा पैच इतना बड़ा होके निकलेगा। पर वो इतना भयंकर होता है कि इंसान कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। उस केस में आप क्या करें, सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करें। कैसे हाइड्रेट करें? हनी ले लें और डेली दिन में 2 मिनट हनी से आप प्रॉपरली मसाज करें। ये आपके साइड इफेक्ट्स को कम करेगा, जो साइड इफेक्ट आपको पीलिंग ने दिया था। सेकंड, स्किन पे डेली अपने मास्क लगाएं। किस चीज का मास्क लगाना है? 2 तरह से, या तो आलू लेना है छिलके के साथ और उसे बॉइल कर लें पूरी तरह से। जब वो बॉइल हो जाए उसमें थोड़ा सा कर्ड डालें, अ पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का डाल के उसका लेप बना के पूरे फेस पे लगाएं। ये उसके साइड इफेक्ट्स को कम करेगा। या फिर बिल्कुल ठंडक देने के लिए पपीते का, पपीते में आप दही डालें, मैश करें अच्छे से, पतला लेप बनाएं और उसको चेहरे पे लगाएं। आलू और पपीता दोनों ड्यू टू इट्स रिच प्रॉपर्टी, ऐसा इसमें क्या होता है वो आप लोग कमेंट्स में बताने वाले हो, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, उसकी उस रिच प्रॉपर्टी की वजह से आपकी स्किन को ठंडक भी देंगे और स्किन को नरिश भी करेंगे और जो उसका साइड इफेक्ट है
उसे इम्प्रूव करेंगे। अब बहुत सारे लोगों में देखा गया कि पीलिंग के बाद ना उनकी स्किन में जो डिसकलरेशन है उसका लेवल बहुत अप हो गया, वहां पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेंगे। इन केस ऑफ लाइकन प्लेनस यहाँ तक पूरी स्प्रेड हो गई, वहां पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो, तो वो कहता है इसका इलाज नहीं है, जब तक है आप करवाते रहो। फिर भी आप करवाते हो, दो पीलिंग के बाद चेहरा इतने से इतना हो गया, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे 20-20 सिटिंग करा के स्किन को इतना पतला कर देते हो, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आप 5 मिनट धूप में नहीं खड़े हो पाते हो। गैस के पास काम करते टाइम तक आपकी स्किन पूरी रेड हो जाती है। हम उन साइड इफेक्ट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जो मैंने रेमेडीज बताई वो आपको फॉलो करनी है। इसके साथ में डेली रात को आपको क्या करना है, मलाई लेनी है और मलाई से डेली अपने फेस पे मालिश करके आपको सोना है। मलाई में आप 1-2 ड्रॉप जो है एलमंड ऑयल, प्योर बादाम का तेल भी वहां पे डाल सकते हो या रोगन बादाम डाल सकते हो, उसको अच्छे से मसाज करके आप सो जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरी लाइन हमेशा याद रखना, मैंने पीलिंग करवाई और मेरा चेहरा ऐसा हो गया, ये लाइन जिंदगी में आपको दोबारा ना बोलनी पड़े। तो आप आज ही इन चीजों को स्टार्ट कर दो, और अगर आपकी और ज्यादा बुकिंग हो रखी है तो प्लीज उसे कैंसिल कर दो। मैं सिर्फ पीलिंग की बात नहीं कर रही, क्यूई स्विच है, PRP है, वेम्पायर फेशियल्स हैं, बहुत तरह के लेजर ट्रीटमेंट है, माइक्रो नीडलिंग है, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट है, आप कभी भी उनसे पूछना कि ये परमानेंट क्योर है, क्या ये रिवर्स नहीं होगा, वो कभी भी नहीं बताएंगे। और मैं हमेशा चैलेंज के साथ बोलती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ठीक करने में वक्त कितना लगेगा, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल भी लगते हैं। अभी तक 2 साल से ऊपर किसी का रिकॉर्ड नहीं गया है, मे बी आगे चला जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं ठीक करके रहूंगी। और वो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आपकी झाइयां ठीक होने के बाद कभी दोबारा नहीं आएंगी। दोबारा आएंगी ना, आप मुझे पकड़ लेना, ये मेरा पक्का चैलेंज है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसे दोबारा आई है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि मैम अभी चल रहे थे, क्लीन हुआ, हल्का सा डार्क हुआ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नीचे की लेयर अभी क्लीन होना बाकी है। सुपरफिशियल क्लीन हो गई, सेंटर की क्लीन हो गई, तो वो क्लीन दिख रहा है, पर अगर उसके नीचे की बची है तो वो अभी हल्की हल्की आएंगी, पर कभी भी उनकी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं होती और कुछ महीनों में वो भी चली जाती है। इसलिए कभी भी आप मेरी वीडियोस देखें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मुझसे वक्त मत पूछिए, मैं ठीक करूंगी। और मैं बहुत क्लियर इंसान हूं, मैं हमेशा बोलती हूँ 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, तो आप बोलते हो इतना टाइम, लेकिन सोचो ना कि कितने साल से झाइयां थी, कितने ट्रीटमेंट ले लिए, किसी ने आज तक ये चीज कही? फिर दूसरा जो सुनने को आता है, ये आज उन लोगों के लिए है, आप सोच लीजिए कि मैम ने ताना दिया है, 2-3 हजार की पीलिंग की एक सिटिंग ले ली, फेशियल्स ले लिए, नाइट क्रीम लगा ली, सनस्क्रीन लगा ली, क्विनिन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, वहां नहीं पैसे हुए, लेकिन हम बिल्कुल ठीक करके आपको दे रहे हैं चैलेंज के साथ, तो वहां आप 4 हजार को भी महंगा बोलते हो। फिर कमेंट्स आते हैं, दवाई तो आपने 4 हजार की बताई थी। अरे कई बार हमें उसमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती है कि वो अप जाता है, बहुत रेयर। उसके साथ में हमारा तो ऑयल भी 1000 रुपए का जो आपका 3 महीने चल जाता है, मास्क भी 500 रुपए का जो आपका 2-3 महीने चलता है, यार उसमें इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग है, लेकिन जो ये ट्रीटमेंट है इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। एंड लास्टली कोरियन ट्रीटमेंट, मैंने ना यार कोरियन करवाया था लेकिन मेरी स्किन खत्म हो गई भाई, वो परमानेंट है ही नहीं। आजकल 2-3 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता, अगर मैं पंजाबी भाषा में बोलूं ना, ढीला नहीं आता उनको, पता भी नहीं है, 4 टेक्निक सीख ली और उसके बाद जो है सबके चेहरे खराब करे। मेरे पास इतने केसेस आ गए, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जाके उनका ना सर फाड़ दूं, कि अभी अपने चेहरे खराब करो ना, किसी पेशेंट की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। उनको लोन लेने पे मजबूर कर दिया, उनकी किश्तें बना दी, EMI पे डाल दिया और उनके चेहरे जला के रख दिए। मैं जिस दिन उन केसेस को ठीक करूंगी ना, उनके पॉडकास्ट, उनके इंटरव्यूज आपके सामने डालूंगी, बकायदा उन इन्फ्लुएंसर के नाम के साथ, जो आजकल ना अलग अलग सिटीज में जाके, कभी रोहतक, कभी चंडीगढ़, कभी जलंधर, ठीक है, कभी मुंबई जाके होटल्स के रूम ले लेके वहां पे कैंप लगा रहे हैं ना, और एक साथ जैसे जानवर भरे होते हैं ना वैसे भर रखे हैं लोग, और उनको काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पे जो है तरह तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोरियन, क्रीम्स लगा लगा के, माइक्रो नीडलिंग। अरे शर्म करो, कल को तुम्हारी औलादे क्या सोचेंगी कि हमारे माँ बाप ने कितने लोगों के चेहरे खराब कर दिए। कम से कम मैं यहाँ बैठ के ना चैलेंज के साथ आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि कोई इंसान ठीक ना हो, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन किसी का चेहरा कभी खराब नहीं होगा। कई बार होता है कि किसी को कोई चीज सूट नहीं करती तो हम इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें भी किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं पता, लेकिन आज तक जिंदगी में किसी को खराब नहीं किया।
तो प्लीज ऐसे लोगों से, फ्रॉड लोगों से बचें, ठीक है? पहले जानकारी लें, फिर कोई ट्रीटमेंट लें। जो मैंने आज रेमेडी बताई है ना, इसको आप फॉलो करना, फिर आप मुझे उसका रिजल्ट बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो का जो मेरा बनाने का मोटिव था, वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचा हो, उसका पूरा मैसेज, और आप लोग उसे इम्प्लीमेंट करें। आप लोगों ने मुझे उपासना की दुनिया को बहुत ज्यादा प्यार दिया, आगे भी देते रहे, और प्लीज ऐसे लोगों से बचे और अपनी जिंदगी के साथ, अपने चेहरे के साथ इतना खिलवाड़ ना करें कि आज अपने चेहरे को आईने में देख पा रहे हैं, कल देख ही ना पाए। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।